महालक्ष्मी व्रत का आरंभ भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि से होती है और अगले 16 दिनों तक यह व्रत चलता है। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। महालक्ष्मी व्रत भविष्य पुराण में वर्णित कथा के पाठ के बिना अधूरा माना जाता है। यहाँ पढ़ें महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे पुरुषोत्तम, अपने नष्ट स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाला और पुत्र आयु सर्वेश्वर्य तथा मनोविलासित फलप्रद कोई एक व्रत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कृतयुग मतलब सतयुग के आदि में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया, उस समय इंद्र ने भी यही प्रश्न नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद जी कहने लगे, हे इंद्र सुनो, पूर्व समय में अत्यंत रमणीय पुरंदपुर नाम का एक नगर था। उसकी भूमि रत्नों से युक्त थी और पर्वत भी रत्नों से भरे हुए थे। वह नगर धर्म, अर्थ, काम, मोच इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थान होने के कारण संसार का भूषण स्वरूप था। उस नगर में मंगल नामक राजा राज्य करता था। उसके महादुर्भगा चिल्ल देवी और यशस्विनी चोल देवी से ये दो रानियां थीं। एक समय राजा मंगल चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर अति प्रसन्नचित हो राजा ने चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी जाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही कीजिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षी गणों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में विकराल शरीर से युक्त मेघ तुल्य काला एक शुकर आ गया। वह अपनी दाढ़ों से सूर्य चंद्र को भी खींच सकता था। गर्जन में वह प्रलय काल के मेघ सदृश था। उसने आकर अनेक वृक्षों को तोड़ मरोड़ डाला और उस उद्यान को चौपट कर डाला। हे युधिष्ठिर, उस सुकिर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ा, किसी को दांतों से तोड़ा, किसी को दांतों की रगड़ से ही तोड़ दिया। काल के समान उस सुकर ने कई रखवालों को मार डाला। तब बगीचा के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने निजी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस सूकर को मार डालो। तदनंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़े। वह सेना अश्व समूह रूपी वस्त्र से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती तथा रथों की शीघ्र गति से उत्पन्न पवन से संपूर्ण सैनिकों को कपाती तथा पैदल सेना शब्द से दिशाओं को पूरित करती हुई बगीचे के नजदीक पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने उच्च घोष से दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ राजा बोला कि जिसके रास्ते से यह शुकराधम निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के वचन सुनकर सुकर जिस मार्ग में राजा खड़े थे उसी मार्ग से निकल गया और राजा कोड़े से अपने घोड़े को मारते ही रह गए। राजा लज्जा से चंद्रवत कलंकित होकर सुकर के पीछे पीछे सिंह व्याघ्रों से युक्त घोर वन में जा निकला। उस वन में तमाल, ताल, हिंताल, साल, अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहां विविध लताएं थीं। झिल्लियों की झनकार से दसों दिशाएं मुखरित हो रही थीं। राजा उस घोर वन में एकाग्र मन से उस सूकर को ढूंढ रहा था। एकाएक सूकर से उसका सामना हो गया। तब राजा ने बाण से जैसे ही सूकर को घायल किया, वैसे ही बाण के लगते सूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महीपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे सूकर योनि से छुड़ाया, अतः बड़ी कृपा की। अब मेरा वृतांत सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए थे और मैं उनको तरह तरह के स्थान व गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर में भ्रष्ट हो गया।
इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझ चित्ररथ गंधर्व को शाप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तू पृथ्वी पर सूकर होगा, जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा उस समय तू सूकर से योनि से छूटकर फिर इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। अतएव हे महापते, मैं इस योनि में आया था, आज आपके हाथ से मरकर मैं सूकर योनि से छूट गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर आपको देता हूँ, उसे आप स्वीकार कीजिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह महालक्ष्मी व्रत है, इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर शरत काल के मेघ के समान तत्क्षण अंतर्धान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को हुआ त्यों ही बगल में मृग छाला लिए एक ब्राह्मण बालक को देखा। राजा ने मुस्कुराकर बालक से कहा, हे बटो, देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, इनमें आप कौन हैं? आप सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप किस लिए आए हैं? राजा के प्रिय वचन सुनकर बटू ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मेरा जन्म आप ही के देश में हुआ है, मैं आप ही के साथ साथ यहाँ आया हूँ, मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन कहूँगा। हे बटू, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें से मेरे लिए थोड़ा जल ले आइए। राजा के वचन सुनकर वटू ने राजा को एक बरगद की छाया में बैठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षीगणों का शब्द सुनता हुआ चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब वायु के सैकड़ों यत्नों को निष्फल करने वाला, विष रहित, अगस्त मुनि की पिपाशा को शांत करने वाला, समुद्र से भी अधिक गंभीर, शीतल, मंद सुगंध, वायुयुक्त स्वच्छ जल से पूर्ण था। उसके निकट वह वटु घोड़े को लेकर ज्यों ही गया त्यों ही कीचड़ में धस गया। वह घोड़े से उतरकर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो वहां उसने कई स्त्रियों का झुंड देखा। अनेक दिव्यांबरों को धारण किए दिव्य अलंकारों से युक्त होकर स्त्रियां कथा कह रही थीं। तदनंतर वह उन स्त्रियों के पास जाकर अपना वृतांत बताता हुआ कहने लगा। बटू ने कहा, हे स्त्रियों, बड़ी भक्ति भाव से यह आप क्या कह रही हैं? इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल होता है, वह मुझे बताइए। बटू के वचन सुन और दया भाव से प्रेरित होकर वे स्त्रियां कहने लगीं, हे विप्र, तुम एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति के साथ सुनो। जो माया, प्रकृति और शक्ति आदि नाम से त्रैलोक्य में प्रसिद्ध हैं, उसी महालक्ष्मी का यह व्रत है। हे बटू, इसकी विधि इस प्रकार है। इसका प्रारंभ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से किया जाता है। उस दिन प्रातःकाल उठकर 16 बार हाथ पांव और मुख धोकर 16 तंतुओं से निर्मित तथा 16 ग्रंथि से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, अगर आदि सुगंधित पदार्थों से पूजा कर महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से उसके 16 ग्रंथियों को अभिमंत्रित करें और कहें, हे महालक्ष्मी, धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, श्री, घोड़ा, आ, हाथी और पुत्रादि, यह सब मुझे प्रदान करिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उस डोरे को दाहिने हाथ में बांधें और अक्षतों के साथ 16 धूप के पौधों को हाथ में लेकर एकाग्रचित्त होकर कथा सुने। जल में धूप को भिगो भिगो कर अपने सिर, हाथ तथा पैरों में मार्जन करें। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन नित्य हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी को सायंकाल के समय जितेंद्रीय हो स्नान कर सफेद कपड़े पहनकर पूजा घर में जाएं। वहां पर पूर्वाभिमुख हो पवित्र आसन पर बैठ अष्टदल श्वेत कमल बनाएं। कमल दल के किनारे इंद्रादिक शक्तियों को लिखें। कर्णिका में श्वेतांगी, श्वेत वर्ण वाली, श्वेत पत्र मोतियों से अलंकृत कमलासना, हास्य मुक्त कमलवत
मुख वाली शरद चंद्र के तुल्य कांतिमती चतुर्भुजा दो हाथों में कमल लिए अभयदायिनी दोनों ओर से हाथियों के सुनों से जल से सींचती हुई अटल छत्र युक्त महालक्ष्मी का ध्यान करता हुआ कपूर अगर और चंदन से महालक्ष्मी की पूजा करें, उनका आवाहन करके कहें, हे महालक्ष्मी विष्णु के स्थान से तुम यहाँ आओ, हे देवी आप ही के निमित्त मैंने यह खोडसोपचार पूजन की सामग्री जुटाई है, हे विप्र व्रती 16 दिन पूरा होने पर किस विधि से उद्यापन करें वह भी सुनो। सुवर्ण के संग से युक्त गौ तथा सुवर्ण आदि किसी विद्वान और वेदपाठी ब्राह्मण को दान करके दें, तदनंतर यथाशक्ति दान देने से यह व्रत पूर्ण होता है, साथ साथ ब्राह्मणों को वस्त्रादिक भी दान देना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान बता करके स्त्रियां बोली, हे विप्र सब व्रतों में उत्तम यह व्रत हमने तुमसे कहा है, इसके करने से मनोवांछित फल अनायास प्राप्त हो जाता है, हे विप्र तुम इस उत्तम व्रत को करो और राजा से भी कराओ, यदि कोई अन्य श्रद्धावान पुरुष मिल जाए तो उससे कहो और उससे भी व्रत कराओ, हाँ नास्तिकों के समक्ष यह व्रत कभी मत कहना। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण बालक उन स्त्रियों को नमस्कार कर और घोड़े को कीचड़ से निकाल कर और उसे पानी पिला, कमल के पत्ते में राजा के लिए जल ले और घोड़े पर चढ़कर राजा के पास आया, राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म राजा से कहा और अनेक भांति की सामग्री जुटाकर उस व्रत को राजा से कराया। वह मंगल राजा एवं वटु इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हुआ। वह राजा मंगल घोड़े पर सवार होकर अपने नगर के समीप जा पहुंचा। राजा को आते देखकर पुरवासी तुरही आदि बाजाओं को बजाते हाथ में बड़ी बड़ी ध्वजाओं तथा माला को लिए कलशों को सिर पर रखे और घंटा आदि बजाते हुए आए। उस समय वह नगर अत्यंत सुशोभित था। मार्ग में रूपवती स्त्रियां राज दर्शन के निमित्त दौड़कर आ उपस्थित हुईं। इनको दर्शन देते देते राजा मंगल उस ब्राह्मण के सहित अपने महल के निकट पहुंचे। घोड़े पर से उतरकर महाराज मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था, उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है, उसी का भेजा हुआ ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। राजा मंगल भी सामंत मंत्री तथा अन्य भृत्यों के साथ वन की बातें कर रहा था, इसी कारण राजा ने रानी को डोरा तोड़ते नहीं देखा। संयोगवश उसी समय चिल देवी की एक दासी वहाँ कुछ कहने आई थी, उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण वटु से उसका कारण और व्रत पूछा। तब दासी ने चिल देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण वटु को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी का उत्तम व्रत किया। एक वर्ष बाद महालक्ष्मी पूजन के दिन चिल देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ और यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की याद आ गई और वह ब्राह्मण बटु से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटु ने चोल देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने का हाल कहा। वह सुनकर राजा चोल देवी पर अत्यंत कुपित हुआ और कहने लगा, आज से चिल देवी के ही घर में पूजा करूंगा। इसी समय राजा ब्राह्मण बटु को लेकर लक्ष्मी जी के पूजनार्थ चिल देवी के घर में गया। उसी समय लक्ष्मी जी का एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा के लिए चोल देवी के महल में गई। चोल देवी वृद्ध रूप धारिणी लक्ष्मी जी से कहने लगी, अरे दुष्टे तू यहाँ से शीघ्र चली जा, मेरे घर में आने से तेरा क्या लाभ है? दुष्टा, चोल देवी से अपमानित महालक्ष्मी चोल देवी को शाप देती हुई कहने लगी, तूने मेरा अनादर किया, उसके प्रतिकार के लिए मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू शुकर मुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए।
तभी से वह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। महालक्ष्मी जी वहां से चलकर उसी वेश में चिल्ल देवी के घर में आईं, तो वहां पर लक्ष्मी जी की अनेक प्रकार से सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद लक्ष्मी जी ने वृद्धा रूप छोड़कर सत्य रूप धारण किया। तब चिल्ल देवी ने पंचोपचार से भली भांति उनका पूजन किया। इस पर महादेवी ने प्रसन्न होकर चिल्ल देवी से वर मांगने के लिए कहा। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे चिल्ल देवी, तुम्हारे पूजन से मैं अति संतुष्ट हूँ, हमसे तुम जो चाहो वह वर मांगो। चिल्ल देवी बोली, हे सुरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत जो करे उसका घर जब तक सूर्य चंद्र हैं तब तक आप न त्यागें। आज से इस राजा की संसार में प्रसिद्धि हो, और हे देवी, आप में मेरी अचल भक्ति सदैव बनी रहे। जो यह कथा सद्भाव के साथ पढ़े या सुने उनको आप सदा मनोभिलाषित फल दें। तब लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्धान हो गईं। इसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चिल्ल देवी के साथ परम भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल्ल देवी के महल में आई। यद्यपि द्वारपालों ने उसे आने से मना किया, फिर भी वह नहीं मानी। वहां की गतिविधि देखकर चोल देवी के मन में न जाने क्या आया कि वहां से सीधे अंगिरा ऋषि के स्थान से सुशोभित घोर जंगल में चली गई। महर्षि ने चोल देवी की विचित्र आकृति को देख ज्ञान दृष्टि से विचार करके उसके द्वारा महालक्ष्मी का व्रत कराया। उस व्रत के करने से चोल देवी महायशस्विनी हो गई। एक समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में आकर एक सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नेत्रों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर मुनि से पूछा कि आपके स्थान में यह दिव्य रूप धारणी स्त्री कौन है। मुनि ने चोल देवी का समस्त हाल बताकर राजा के हाथों सौंप दिया। तब राजा चोल देवी के साथ नगर में आकर चिल्ल तथा चोल देवी के साथ अनेक भोगों को भोगने लगा। वह नूतन नामक ब्राह्मण बटु महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोग कर अंत में आकाश में जाकर विष्णु देवत नामक नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा, जिसकी कथा मात्र के सुनने से मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है, जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में विष्णु और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती हैं, उसी भांति यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को यदि तुम चाहो तो श्रद्धा पूर्वक होकर इस उत्तम व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन धान्य पृथ्वी धर्म कीर्ति आयु यश श्री घोड़े हाथी और पुत्र पौत्रादि सब कुछ देती हैं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर जी, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। इसी व्रत के प्रभाव से इंद्र को मनोवांछित फल मिला। आप भी इस व्रत को करें और मनोवांछित फल की प्राप्ति एवं पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होगी। यह कथा भी श्री कृष्ण ने भगवान ने युधिष्ठिर के प्रति कही थी। मैं आप लोगों को फिर से कहता हूँ, अपनी अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए यह व्रत सबको करना चाहिए। इसके करने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने